पापा क्या खाना है? मम्मी इतनी देर तो आपसे पूछने लग रही, क्या खाना है, क्या खाना है? वो कुछ नहीं दे खाने को। तुषार की शादी हो गई है फिक्स, इसलिए ये पतला हो रहा है। अंकिता लोखंडे की सास। क्या विक्की रे हमारे। गाइस देख लो इसने, ये योके है, योके लेकर है पप्पा। गाइस ये सब्जी कौन कौन खाता है? ये वाली सब्जी है, क्या कहते हैं इसको? मेरा में कौन सी फड़ी है? मटर है इसके अंदर है। मटर है, मटर है, फड़ी है। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। कैसे सब? होप से बच्चे होंगे अपने घर पे सेफ होंगे। और फिर मैंने यो पैर लिया है, मम्मी की जीत तो नहीं ले सब्जी ने देख कर। सर्दी बहुत हो रही है, मेरा इसमें का एनर्जी नहीं करता, तो ऐसे ही देख लो मुझे गाइस। जिसको पसंद हो ऐसे ही देखते रहो मुझे इस ड्रेस में। मम्मी सब्जी ना बनाता ही नाट है गाइस। कौन सी है ये सब्जी है? यहाँ सैम की फली है। यही इतनी बड्डी सैम की फली क्या लग रही है? सैम सैम ना आए, सैम ना आए। गाइस आज हम क्या बनाएंगे खाने में, हमें भी ना मालूम। दिक्षु बना सके केवल बेवकूफ। और रोटी तो चुना नहीं, बरवाले में जाके खाना पीना बनाना भूल गई। ये खाओ गाइस, मम्मी साथ टेस्ट भूल चुके, इतना गंदा खाना बनाती है, इतना गंदा। देख गाइस मैं अच्छा खाना बनाती हूँ। नहीं बनाती, मम्मी थोड़ा मसाले वाला जो यहाँ पर बनाती थी ना पहले, अभी भी वैसा ही बनाती हूँ मैं। बरवाला डिस्क्वालीफाई हो गया इस बारी। बरवाला इतनी हिम्मत मेरी, तुषारे मार सका मैं ना मार सकती। देख देख मम्मी देख कैसे नाम खराब कर रहा था, ये लगी होगी शायद, देख लिया नाम खराब कर रहा है बस। हुए मुंबली खा लो गाइस, मैं बनाऊंगी गाइस टोस्ट। आलू वाले आलू रखे हैं मैश किए हुए, मसाला भर के। खराब तो ना हो गई है? खराब तो ना हो गए होंगे? नहीं सूले नाक को ना, नाक मेरे जुखाम हो रहा है नाक में। मेरा तो पास्ता खाने का जी कर रहा है। उबालोगे तो सब खा लेंगे। आशीष जैसी कोई नहीं बना सकता पर। अच्छा यस ये बनाई उसने कहा ना, खाना आशीष दीक्षु से अच्छा बनाता है। हाँ मतलब वो चीज बना देना जो उसकी कोई कॉपी नहीं मार सकता। मैंने वे मलाई वाले प्याज है ना ट्राई करे थे, मेरे पना बने यहाँ पर जिनसे बन गए थे यही ट्राई करे थे यार, गंदे से बन गए पता ना पानी पानी। और उसने मतलब ऐसे बनाए थे जो कुछ चाप हो ना तुषार, पापा ने कल इतनी अच्छी लगी मशरूम पूरे इतनी सारी लिया है। कितने पैकेट है? चार पांच पैकेट है, कल तीनों लेके आए थे, तीनों में पूरा काम। आज कितने पैकेट है मशरूम के? चार है, चार है क्या? सब क्या अलग अलग? मम्मी ना खाती मैं बड़ा सब कुछ सकती हूँ, खाती कुछ कुछ नहीं। तो गाइस बना लेते हैं हम पहले आलू टोस्ट। पापा क्या खाना है? मम्मी इतनी देर तो आपसे पूछने लग रही, क्या खाना है, क्या खाना है? वो कुछ नहीं दे खाने को। अच्छा यही है ना सच्चाई, ये कुछ नहीं मिलेगा फिर आपको? मेरे से पूछते तेरी मम्मी कौन सा खाना क्या खाना है, और जो खाना होता है वो देती ही नहीं है, फिर अपनी मर्जी से देती है। हम खाएंगे ले लो। नानी ने देख देख के तब फुल की फुड़िया रहे। खाओ 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 खाओ। गाइस ये देखो तुषार पतला हो रखा है ना, कमेंट करके बताओ। पहले से तीन सीसा पेट था ये, ठीक हो रहा है अभी, और बाकी है 5-7 किलो। तुषार की शादी हो गई है फिक्स, इसलिए ये पतला हो रहा है। ऐसा ही है, तुषार छुपा रहा है गाइस। है ना मम्मी? मम्मी आप सास बनने वाले हो, अच्छी वाली बनी हो, ठीक है। सास बनने वालों को बिना कुछ बनी जाते हैं। जी 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 निरूपा राय जी सी, अंकिता लोखंडे की सास। विक्की क्या विक्की रे हमारे।
गाइस गुड मॉर्निंग, ये नेक्स्ट मॉर्निंग है और मेरे से तो उठा मतलब दवाई लेने के बाद ऐसा हो गया कि नींद खुली नहीं रही मेरी और कल से तबीयत खराब हो रही इसलिए कुछ शूट भी नहीं हो पाया। तो अभी उठ के मम्मी को जाना था, किसी की डेथ हो गई थी उसकी तेहवी पे जाना था तो मम्मी वहाँ पे गई है और मैं अभी उठी हूँ। बहुत मुश्किलों से उठी हूँ कि आँख खोलूँ खोलूँ क्योंकि लड्डू भी बार बार उठ रहा था, वो भी फीड ले रहा था। तो अभी उठ के मैं अपना दूध क्योंकि गला ख़राब है आजकल मैंने अपना जीरा पानी बंद कर रखा है और दूध है इसमें और है लड्डू जो मम्मी ने बना के भेजे थे। मैं छोटे वाला जो बॉक्स था वो मैं यहाँ उठा लाई थी कि इतने दिन रहूँगी तो वहाँ पे खा लूँगी लड्डू और बड़े वाला वहीं छोड़ दिया था कि आशीष भी खा लेंगे और अगर वहाँ जाने के बाद फिर खा लूँगी। तो और अभी लड्डू को भी नहलाना है तो दो दिन हो गए लड्डू को नहाए। थोड़ा मतलब ऐसा हो जाता है क्योंकि ठंड भी लगी हुई थी उसको तो मैं उससे स्पॉन्ज बात करवा रही थी उसकी। तो आज मैं सोच रही हूँ उसको अच्छे से नहला दूँ, धूप भी निकली हुई है धूप में लेके बैठ जाएंगे फिर नहला के। तो मम्मी सुबह सब्जी बना गई थी हरा साग, तो रोटी खानी होगी, जब रोटी खा लेंगे तब तक मम्मी भी आ जाएगी मेरे ख्याल से। तो एक डेढ़ घंटे का रास्ता है जहाँ पर मम्मी गई है तो पहुँच जाएंगी, इतने में खा लेती हूँ लड्डू और इन्जॉय करती हूँ अपना लड्डू और फिर लड्डू को नहला देती हूँ। ठीक है तो मिलते हैं थोड़ी देर में। दोनों मामा भांजा यहाँ लेट रहे हैं। दीदू भी रहा लड्डू एक देखता खुश हो रहा है। ओ क्या बात है, नहीं नहीं करेगी मेरी बेटी, कितने दिन हो गए नहाए, दो दिन। ओ हाँ ब्रदर नहाएगा ना आज, धूप में बैठेंगे फिर ऊपर है ना, है ना गंदू। ये प्लान मुझे थोड़ा अच्छा लगा, ना अच्छा है। ले लू नाई नाई कर ले गंदे। आ जाओ उठ ले तू भी। उठ रहा हूँ। तो गाइस 5 फरवरी को मेरी मासी की जो बताई थी मैंने 25th एनिवर्सरी है। 25th मतलब कन्फ्यूजन हो रही है कि क्या पहन के जाए। पहले प्रोग्राम था यूपी जाने का, जहाँ शामली है वहाँ पे, तो मौसी ने प्लान कैंसिल करके यहीं पे एक बुक कर दिया है रिसोर्ट कह रही हूँ होटल। तो अब ये कन्फ्यूजन है कि थोड़ा हैवी पहनूँ लाइट पहनूँ कैसा पहनूँ। तो ड्रेसेस जो फाइनल कर रखी है ना वो आपको नेक्स्ट व्लॉग में दिखाऊँगी मैं कि कौन कौन सी है, मम्मी का सजेशन लेते हुए कि कौन सी साड़ी पहननी चाहिए या ड्रेस बनवानी चाहिए नहीं या लहंगा पहनना चाहिए। तो बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन हो रही है तो उसके लिए आपको नेक्स्ट व्लॉग भी देखना पड़ेगा कि मैं क्या पहनूं वो सजेस्ट करने के लिए। ठीक है आ रही है लड्डू को नहलाने की। कौन से कपड़े पहना दूँ, ये वाले पहना दूँ सबको, वो सबको कह रही होते लड्डू को ये वाले और ये इसकी पामी क्योंकि थोड़े वुलन ही पहना देती हूँ क्योंकि फिर ठंड नहीं लगेगी उसको, पतले वालों में तो ठंड लगती है गाइस। और मैंने सुना है कि बच्चों को 12 बजे के बाद नहीं नहलाते हैं, मतलब दोपहर में जैसे 12 बज जाते हैं तो तब उसके बाद नहलाना नहीं चाहिए। क्या ये बात सच है कि 12 बजे के बाद बच्चे नहीं नहलाने चाहिए? तो मुझे कमेंट करके बताओ क्या ये सही सुना है मैंने या गलत सुना है। उसी के बाद मतलब वैसे तो मैं 12 बजे से पहले ही नहला देती हूँ ये सुनने के बाद कि भाई नहलाना नहीं चाहिए 12 बजे के बाद, तो भाई जल्दी नहला देती हूँ मैं, क्या करूँ फिर। लड्डू के भी कपड़े रखे हैं जो मौसी के उसमें पहन लेगा वो, क्योंकि वो बहुत सुंदर लगे थे उसके जो पिंक स्वेटर थी जो मैंने दिखाई थी कि सीधे में नहीं जो मैं लेके गई थी घर से उस सामान में थी वो वाली पिंक ड्रेस बहुत ही सुंदर लगा था। थू 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 मेरी नज़र लग गया कभी कभी तो। लड्डू ना यदि अंगूठा चूसे जा दूध पी कभी। हाँ चले नाई नाई करने, मम्मा बात नहीं कर रहे तेरे से। चल आ जाओ चलो नहाने चलेंगे, आओ आओ अगंदू आजा आजा। नहीं 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 करेंगे नहीं नहीं, नहाने के नाम पे तो इतना खुश हो जाए मेरा बेटा है ना, नहीं करेगा ना फिर बेटा। लड्डू कैमरा देख कैसे हो रहा है, फोटो खींचा तेरा, फोटो खींचेगा तेरा। बाय कर दे मामू को, बाय, मैं नहाने जा रहा हूँ। गरम गरम हो रहा था, सो जाता भी है मुश्किल तो है। पता है सुबह मम्मी गई ना जब का उठ, जब उठ गया था ही वो 9 बजे। हाँ मुश्किल आता दोबारा सुलाया है। बदमाश, चलो नहीं नहीं करेंगी, आओ लड्डू नहीं 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 करेगा।
चल। ये देखो गाइस, लड्डू नहा धोके हो गया है रेडी। हेलो बोलो सबको, लड्डू लड्डू नहा धोके हो गया रेडी, बिल्कुल तैयार। गरम गरम कपड़े पहन लिए है, भूत रोआ है। इसे कपड़े पहनना बिल्कुल भी पसंद नहीं है, तो इसके लिए तो गर्मियाँ अच्छी हैं जब ये ऐसे ही घूम सकता है ना लड्डू। तो गाइज ये था आज का व्लॉग। अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करो बहुत सारे, और ऐसे अच्छे अच्छे व्लॉग हमारे साथ देखते रहो। जिसने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले जाके चैनल को सब्सक्राइब कर लो और ऐसे अच्छे अच्छे व्लॉग हमारे साथ देखते रहो। और मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। टिल देन टेक केयर, टाटा बाय बाय। बाय बाय बोल दो लड्डू, बाय बाय।